अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साद फैमिली व्लॉग। सब कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। तो गाइस माशाल्लाह हम सब लोग कैसे हैं? ठीक है। और मौसम देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो रहा है। ये देख बारिश हुई है काफ़ी तेज़, ये देख बहुत तेज़ बारिश हो गया, पानी भरा हुआ बाहर का। मैंने तो सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं, आज इतना ज़्यादा धूप था सारा ना, ये तो अभी नया मंगाया कल का, वो सारा ही ख़राब हो गया। मैंने उसका ये बना लिया, क्या कहते हैं उसको, बोली कहते हैं हम, अम्मी तो बोली कहती थी, अब हमें नहीं पता उसको क्या कहते हैं। खिला रहे, उठाओ मुझे सफाई करनी है, जल्दी करो। अंदर की सफाई रह गई है बस, बाकी मैंने सारी कर ली है। तो मैंने कहा जल्दी से कर, बच्चों को तो आज लग रहा छुट्टी होगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बाहर बहुत पानी भरा हुआ। आज मैंने मशीन भी लगानी है, देखें कपड़े पड़े हुए। बचपन में मेरी मम्मी हमें बना कर देती है, हमें बहुत पसंद थी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। वेलकम बैक गाइस, सफाइयाँ वगैरह कर मैं आ गई हूँ। मैंने कहा चलो खाना बनाती हूँ, लेकिन मैं आई हूँ तो मैंने देखा बर्तनों का तो ढेर लगा हुआ है। पहले भांडे धोते हैं, ये चिकन मैंने फ्रिज से निकाल के इधर रखा, आलू ये नीचे रखे हैं क्योंकि इसको ना ये ब्रेड पड़ी है। सनी से मैंने अमरूद मंगवाए थे क्योंकि वो खा कर ना बहुत अच्छा, यानी मैदा बिल्कुल सेट रहता है, आपका फिट रहता है, आपको भूख भी लगती है। फ्रूट्स खाने से ये वाकई अच्छी बात है कि ना अगर हम खाली पेट फ्रूट्स खाएं हमें भूख लगती है, हमारा यानी पूरा सिस्टम बैलेंस पे आ जाता है। यार ये क्या किया मैं, वो और उधर कबाड़ डाल दिया, वो सारी चीज़ें उधर रखो। बच्चे आज अकेडमी नहीं खाए, अभी इन्होंने अब टीवी कब तक देखेंगे, ये बोर होंगे फिर ये यहाँ उठ कर खेलेंगे। देखें क्लीन के बाद सुकून हो गया, सारा साफ सुथरा पड़ा रहता फर्श ना। शमाम क्या, इससे हवा ले लेके थक गई, ये पंखा है कोई, ये तो गन है, इसमें से बबल जाते हैं। नहीं तो बबल्स होंगे तो फिर ही वो चलेगी ना, वो देखना कितना कबाड़ है। ओए होए, इसने बाकी ड्रॉ से भी निकाल ली है अपने टॉयज और उधर ढेर लगा दिया, ये देख कितना ज़्यादा इसने कचरा कर दिया। बेटा ये चीज़ें भी रखो एक्स्ट्रा, ये जो होता है ना मेन लाइन वो फुल हो गई है। मैं कपड़े मुझे धोने हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कपड़े कहाँ धोऊँ क्योंकि वाशरूम तो छोटा सा है उधर, और मैं धो भी नहीं सकती, बच्चों वाला घर है। क्या देखो गल्ला मनी बॉक्स, अच्छा जी। तो कपड़े इकट्ठे कर रही थी मैंने कहा से वॉश करूं पहले, फिर मैंने कहा नहीं किचन में ही चलते हैं पहले खाना बनाते हैं जाकर, क्योंकि यहाँ गैस का भी नहीं पता होता, अचानक बंद होती है, बाहर काम हो रहा है ना तो इस वजह से ना वो कभी भी गैस बंद कर देते हैं। बादल तो अभी भी माशाल्लाह चढ़े पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बादल हैं। मैं चलो फिर आलू चिकन या आलू गोश्त या जो भी है वो बनाते हैं, क्योंकि और तो पानी भरा हुआ बाहर, अब जो घर में है वो बनाना पड़ेगा। मसर भी है वैसे तो, लेकिन अब मसर का तो वैसे ही मूड नहीं है बनाने का, वो सुबह ही चढ़ा देने से। चलो यही बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो खाना बनाना मैंने कर दिया है स्टार्ट, प्याज ब्राउन करके निकाल लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, चिकन वो पड़ा है, और अभी हम इसको करते हैं ग्रैंड। सबसे मुश्किल ना मुझे ये शोरबे वाला खाना लगता है, इसको बड़ा मुझे ना कोफ्त होती है, हर चीज़ को ग्रैंड करो, ये करो वो करो।
गर्म है जिसमें, क्योंकि अब आपको दिखानी थी ना, इसलिए मैंने कहा ऐसे ही दिखा रहे थे। अभी निकाली थी मैंने, तो अभी निकाला मैंने इसे। मैंने कहा इसे ना मैं पहले ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर दूसरे काम करेंगे। पहले प्लेट के अंदर पानी डाल दूँ, ये वो करते हैं ग्राइंड। फिर करेंगे हरी मिर्च और टमाटर एक डालेंगे। वैसे तो ये बनाना मैंने इसमें, वैसे तो ये मैंने बनाना है उसमें दही में, लेकिन मैं टमाटर एक छोटा ज़रूर डालती हूँ। ग्राइंड हो रहा छोर हो रहा होगा, ये हो गई है ग्राइंड। अब हम इसमें कर लेंगे टमाटर, अभी तो ये हो जाएगी अच्छी तरह, जब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह, ऑयल निकल आएगा, तो फिर मैं ये चिकन डाल के बुनाई करूँगी। अभी हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ग्राइंड। तो गाइस ये देखें, मैंने ना इसमें टमाटर, दही और क्या कहते हैं हरी मिर्चें डालकर इसे ग्राइंड कर लिया। इसको रख लेते हैं यहाँ, अभी मैं हैंड वॉश कर लूँ, मेरे हाथ पे लग गया। अब इसमें अब डालते हैं हम चिकन। ये देखें सारा ऑयल निकल आया, पानी खुश्क हो गया। बिस्मिल्लाह, आलू अभी मैंने कटिंग करने हैं, मैंने वॉश करके रखे हैं इधर। ये देखें दही, टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि इसमें ना दही अच्छी तरह ना वो नहीं होती, नहीं मिक्स नहीं होती। इसको हटा देते हैं, अब इसका काम हो गया ख़त्म। इसे करते हैं, सर ये क्या खा रहे हो? तो ये देखें चिकन हो गया रेडी। अब इसमें हम डालते हैं ये देखो मसाले, और हम साथ ही ये भी डाल देंगे आलू भी, क्योंकि आलू गल जाए, वो चिकन गल जाता है फिर आलू कच्चे रह जाते हैं। इनको डाल के हम बुनाई करेंगे इसको। और हम इसको ना ढक देंगे, ये देखें इधर भी मैंने इसमें भी बर्तन खुशक करके फिर इधर लगाती हूँ, इधर भी बर्तन खुशक करके ना फिर मैं इधर लगाती हूँ। वो ना आजकल बर्तनों के अंदर ना ऐसे वाइट वाइट सा ना पता नहीं पानी है या साबुन है, हालांकि मैं इतना अच्छी तरह वॉश करती हूँ। फिर भी अब ये धनिया काट लेते हैं, तो फिर उसके बाद का प्रोसेस सिखाती हूँ। मेरा दिल कर रहा है इस टाइम में ना, मुझे भूख लगी हुई है तो अमरूद खाने के लिए, तो काटती हूँ मैं भी अमरूद और मज़े से इंजॉय करती हूँ। बच्चे मेरे खाते नहीं हैं, और अभी मैंने मशीन भी लगानी है, मुझे इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि बारिश हो जाती है ना, और वो नीचे उतर जहाँ मैंने कपड़े धोने हैं ना वहाँ बहुत आज मुश्किल होने वाली है। नीचे वालों के घर में पानी भर रहा है, वो है नहीं नीचे, तो मैं कैसे कपड़े धोऊँगी, समझ से बाहर हो रहा है सारा काम। तो ये देखें गाइस सारा क्लीन अप कर दिया मैंने, हांडी चढ़ा दिया, अब चलते हैं मशीन की तरफ। और अमरूद काट के रख लिए मैंने, साथ साथ खाएंगे साथ साथ काम करेंगे, बाकी रखे हुए तीन मैंने कटिंग की हैं, तो आ जाए मेरे साथ इंजॉय कीजिए।
इसे भी चेक कर लेते हैं। देखें मसाला कितना अच्छा मसाला बना इसका। अब इसको भुनाई करके इसमें पानी डाल के फिर जाऊंगी अंदर। बाकी ये मैंने चीज़ें इसकी रख दी हैं रेडी करके। तो वेलकम बैक गाइस। बच्चों को लगी हुई थी भूख, रोटी छोटी तो मैं बनाती नहीं घर में, तो मैंने फिर ये स्लाइस वगैरह, इनको अंडा स्लाइस पड़े थे वो बना दिए। और मैंने स्टार्ट कर ली है मशीन, पानी भर गया मशीन में। ओए होए तो पानी निकल गया सारा, तो गलत हो गया काम, मैं भूल गई थी उसे ना वो करना। सारा मेरा प्लान ख़राब हो गया। वो देखिए पाइप ने ना पानी ना नीचे भर गया बहुत। ओ हो भर गया सारा पानी। वो देखिए क्या श्यामा, पीछे हो जाओ गिर जाओगे जान। हेरा फेरी फिल्म लगाई है उन्होंने वो देख ली। श्यामा बैठ जाओ। मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी बैठ के टीवी देखूं, पर ना मेरे पास टाइम ही नहीं होता। अब देखो ना बर्तन हांडी पका के आई हूँ, बच्चों को फिर खाना बना के दिया। वो अंडा सिलाई कर रहे हैं कपड़े पहनने के लिए, सिलवाए मैं सारे। ये देखें मैं क्या हाल किया भाई, मैंने कपड़े प्रेस करने थे ना, ये देखें ये मैं सूट दिखाने लगी थी आपको, अभी दर्जन के पास सिल भी रहे। ये देखें कितना खूबसूरत मेरे कपड़े हैं। पर टाइम कह रही हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पहनने का ना वो ही नहीं मिल रहा मौका। ये देखें इतने प्यारे सिलाई हुए हैं। ये मेरी शर्ट है, ये मेरी ट्राउज़र है, और भी इतने सारे हैं माशाल्लाह। एक अभी ये देखें ये सिलाई होने गया, ये उसका दुपट्टा कपड़े निकाल ही लूँ, बुरे लग रहे हैं। यहाँ मैंने इसलिए रखे थे कि सफाई कर रही थी ना मैं, तो मैंने ना इधर रख दिए थे प्रेस करने वाले कपड़े। ये देखो ये थोड़े से बच्चों के ही हैं, सनी के मेरे हैं ही नहीं थे। लंडा खाना मैं, टांग जो ख़राब थी इतने दिन से तो कुछ कर ही नहीं पाई थी, तो अब मैं कपड़े हाँ साले में भी तैयार हो गया। ओ देखा अब मशीन लगा लूँ। ये देखो माशाल्लाह रेडी हो गया बनकर, अब मैं वो कपड़े धोऊंगी। शमामा खुदा के लिए पास आ जाओ, ये देखो ज़रा अभी बेडशीट भी बिछाई है और वो कबाड़ा बना दिया उन्होंने। कहा दिए बेड सही करवाओ इससे। फिर चले मैं चलती हूँ मशीन की तरफ, देखते हैं पानी हो गया तो स्टार्ट करें काम। नीचे भी पानी भरा उनके बेचारों के, मैं कह रही हूँ अभी किसी का हो नुकसान ना हो जाए। उन्होंने नीचे जूते रखे हुए, आ जाओ भाई पानी निकल रहा। फिर इतना ज़्यादा घट गया, हाँ इसे कम करते हैं अभी, पर तक आ गया। ये देखो चिड़िया बैठी हुई है, हाँ अंदर हो गया, इसका बेबी है वो देखो। हाँ उसका बेबी अंदर बैठा हुआ है, मैंने अभी अभी देखा। चले मैं कपड़े स्टार्ट करती हूँ। तो वेलकम बैक गाइस। ये देखें कपड़े धो लिए मैंने, पर यहाँ नहीं हंगाले, मुझे वॉशरूम में ही हंगालने पड़े हैं। ये देखें कितनी सी जगह, इतनी सी आगे, ये देखें फ्लैश है, और इधर मुझे यहाँ पे धोने पड़े हैं सारा पानी रूम में। बड़ा मुश्किल से मैंने ये सारा क्लीन करा,
सास कपड़े पहन लिया करो बेटा। देखो एक चीज अच्छी है, बाबो फूल नहीं गया, वो फूल हो गया कहाँ खाना जी जी। पापा आएंगे तो लाएंगे ना बेटा बाहर, हम तो नूडल तो नहीं, उसे ना हमने खाया था, देखा ना आपकी तबीयत खराब हुई थी जी। नहीं ठीक है, यह देखा भाई। अब मैं खुद फ्रेश होने जा रही हूँ, मशीन टाइम से ही बंद करते हैं क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ, कपड़े उठा उठा के वाशरूम में, वाशरूम से उधर ले जा के मेरा तो हशर हो गया। तो मैं ना अब जाऊँगी नहाने, नहा कर सुकून से बैठती हूँ मशीन वगैरह धोकर। गाइस हम तो थक के लेट गए, ये शमामा लेटी है मेरे साथ, वैसे ही बैठे हैं। ये देखो शमामा का वड्डा मुँह चा। हम देख रहे हैं मोआना, मेरे फेवरेट कार्टून। हाँ हमने देखे हुए पहले, ये मुझे गाइस बहुत पसंद है। मैं जरा थक के ज़रा मैं क्या थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मैं किचन में जाती हूँ, खाना खुना गर्म करती हूँ क्योंकि गैस चली जानी है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं क्या ही गर्म हूँ, इसलिए मेरे कंबल में जो मेरी प्यारी सी बेटी वो देखो ये मोआना शमामा है। और वो ये वो सर वो कौन है साथ। चलो जी मैं किचन में जाती हूँ बेबी। चलो जी मैं ना खाना गर्म करती हूँ जाके। ओ पंखा चलाया हुआ उन्होंने बाहर, ये देखें सारे घर को गर्म बरम कर देते हैं बच्चे ना। मैं ज़रा सी देर क्या बैठी हूँ अंदर, थोड़ी सी देर ही बैठी हूँ अभी, तो साथ ही सब कुछ दूध मैंने कहा गर्म करूँ शमामा जाने के लिए। बिस्मिल्लाह गिरने लगी थी अभी पतीली, अभी तो किचन में भी इतना काम पड़ा थक गई है, आज के कपड़ों ने बहुत थका दिया मुझे। ये देखें सारा कुछ ऐसे ही रख के चली गई थी मैं, तो बर्तन कपड़े धुल जाए बस किसी तरह ना। अभी बर्तन भी धोती हूँ, पानी भर के रखती हूँ पतीली में बर्फ़ का। सर में इतनी दर्द हो रही है, दिल कर रहा सो जाऊँ लेकिन कहाँ सोने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये देखो पेंसिल उठाओ शमामा अपनी, आउच नोच के मुंह में घुसा। आओ चलो मामा, क्या खाना आपने? साथ फ्रिज में से अचार लेकर आओ। मैंने आपसे पूछा है, नाराज हो गई शमामा मेरे से है? शमामा सर बब्बो नाराज हो गया। तो गाइस इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक खैर का दिन हो, खैर का दिन हो, खैर आपकी अच्छी रात हो। और आ जाए हमारे साथ जिस जिसने खाना खाना है। ये देखें अचार, नेशनल का अचार। ऐश मामा एमी शमी खाना खा रही है, ये खाना नहीं खाती। साथ मेरे लिए भी बेटा पानी ले आना, मैं तो तोरियों के साथ खाऊंगी, मुझे बहुत मज़ा आया था तोरियों के साथ। हाँ जल जाएगा बेटा, ये फुल गर्म है। अल्लाह हाफिज़ बाबा, अल्लाह हाफिज़ करो, डराना नहीं, अल्लाह हाफिज़ करना।